हाई स्कूल सर्टिफिकेट होगा? हाँ वो है। मैं देख सकता हूँ? अभी? प्रॉब्लम? नहीं नहीं, अभी लाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? हाँ क्या दिक्कत है, अभी बताइए, दूर कर देता हूँ चुटकी बजा के। दिक्कत तो बहुत बड़ी आ गई भाई साहब, आदित्य जी कोई अलग से ही चीज पीने को मांग रहे हैं। ओ तो लड़का पीने का भी शौक रखता है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, वो वैसा कुछ नहीं मांग रहे हैं भाई साहब, वो कोई जाग वाली ठंडी कॉफी। फार पे। अब ये क्या होता है? हाँ जी भाई साहब, वही उन्हें पीना है और वो कुछ पीना नहीं चाहते हैं। ये शरबत लेकर गया था लेकिन मना कर दिया। अब गलती मुझसे ही हो गई भाई साहब, जो मैंने पूछ लिया कि भाई अब आप शरबत नहीं लेंगे तो इसके बजाय क्या लेना चाहेंगे आप? अब उनकी ये फार पे कोल्ड कॉफी यहाँ कहाँ मिलेगी बताइए आप? और हम तो पहली बार ऐसी कॉफी का नाम सुन रहे हैं। और दिखाइए मुंबई वाले को लड़की, आते ही अकेले में लेके चला गया उसको। मेरे सामने डीएम साहब के साले की भी इतनी मजाल नहीं है कि मेरी भांजी को अकेले में ले आके बात करें। अकेले में बात करेंगे। कहाँ रख दिया, खुद ज्यादा ही संभाल दिया होगा, इसलिए नहीं मिल रहा है। ओए तू यहाँ क्या कर रही है? तूने मेरे टेंथ का सर्टिफिकेट देखा? टेंथ का सर्टिफिकेट? अब कहाँ से लाएंगे ये झाग वाली कोल्ड वाली कॉफी? अब तो बात हमारे मोहल्ले के आन पर आ गई। पुष्कर मेरे विचार से बाकेलाल की दुकान पे पता कर लो, वहाँ पे ठंडी तो अच्छी मिलती है ना। तो इसका मतलब है अब मेहमान को कोल्ड कॉफी की जगह आप ठंडे पिलवाएंगे? हाँ बात करते हैं। हाँ पीए साहब, जरा डीएम साहब को बोलिए कि गोवर्धन बाबू बात करेंगे। क्या क्या कहा डीएम साहब ने? उन्हें तो पता ही होगा ना वो शहर वाली झाग वाली कोल्ड वाली कॉफी के बारे में। अरे चुप भी करिए आप, डीएम साहब के पास और कुछ काम धाम नहीं है क्या? और हाँ, ये मुंबई वाले के नखरे उठाने की अब और कोई जरूरत नहीं है। बड़े अकेले बात करने वाले भाई। अरे मिल गया। खो गया था? नहीं संभाल के रखा था। थैंक्स, मैं सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना चाहता था। एक्चुअली नो ऑफेंस, पर मैंने सुना है कि रिश्ता जोड़ने के लिए काफी लोग अपनी एज गलत बताते हैं। वैसे एज मेरे लिए इतना मैटर नहीं करती है जितना कि ऑनेस्टी। यू नो व्हाट आई मीन। मेरे लिए भी ऑनेस्टी मैटर करती है, लेकिन मुझे उसके लिए आपका लाइसेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ी। वेल, ऐसे ये तो साबित हो गया कि हम दोनों ऑनेस्ट हैं। ये लीजिए जी, आ गई आपकी फार पे झाग वाली कोल्ड वाली कॉफी। वैसे ना जी, ये जो ओरिजिनल फार पे है ना आपका, ये पूरे इस एरिया में सिर्फ मेरी मिसेज बनाती है जी, मतलब पंखुड़ी की चाची। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई कि ऊपर आते आते इसका आधा झाग जो है ना वो हवा हो गया जी। अब आप जल्दी से इसको पी लो, नहीं तो ये तो बचा खुचा झाग है ना, ये भी पानी हो जाएगा और इसका स्वाद खराब हो जाएगा जी। नहीं एक्चुअली मुझे ये अभी नहीं चाहिए। ये भी नहीं? एक्सक्यूज मी, हमें थोड़ी प्राइवेसी मिल सकती है प्लीज? हाँ अरे व्हाई नॉट, जरूर जरूर। सो मिस पंखुड़ी, हमारी शादी हो गई जी? नो, आई मीन अगर हमारी शादी हो गई तो आप जॉब करेंगी राइट? अभी मैंने उस बारे में सोचा नहीं। Well, actually, मैं अपने मॉम के फैमिली बिजनेस में काम करता हूँ as a trainee on non-salary basis. तो अगर आप भी शादी के बाद काम करेंगी तो हम हिसाब कैसे करेंगे? हिसाब? हाँ, पैसों का हिसाब। I mean, I could suggest कि हम दोनों की इनकम कंबाइन करके
हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हैं। आई एम ओके विद दैट। व्हाट्स योर ओपिनियन? नहीं नहीं, आप सोच लीजिए इस बारे में। यू कैन गेट बैक टू मी। यू नो आई थिंक अगर हम डिसाइड करें कि हमें शादी करनी है, उसके पहले ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनकम कैसे डिवाइड करेंगे। पंगुड़ी बड़क, चलो खाना लग गया। जी खाना लग गया है। आप लोग खाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। अरे और कितने सवाल जवाब करेंगे आदित्य बाबू, 15 मिनट से ज्यादा समय हो चुका है। आई एम सॉरी सर, हमने सिर्फ 2 मिनट बात की है। 15 मिनट में से 13 मिनट तो हमें प्राइवेसी मिली नहीं। प्राइवेसी? ये बात मत भूलिए कि मुंबई नहीं है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। मामा जी आप चलिए, हम आते हैं। ओके देन, चलिए कुछ खाई लेते हैं। मिस पंकुड़ी, एक और बात, अगर हमारी शादी हो जाती है एंड फिर हमारे बीच थिंग्स डोंट वर्क आउट और डिवोर्स होता है, डिवोर्स आई मीन व्हाट डू यू से, तलाक, डिवोर्स सेटलमेंट के बारे में आपने क्या सोचा है? अगर प्रैक्टिकली देखे तो हर अलायंस को पहले से ही हर एंगल से समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक हमें भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि फ्यूचर में हम अपनी चीजें कैसे डिवाइड करेंगे, यू नो, कैश, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी एक्सेट्रा। यू थिंक अबाउट इट। आप जो भी सोचती है आप मुझे फ्रेंकली बता सकती हैं। इनफैक्ट आप मुझे फोन करके बता सकती हैं। आप मेरा नंबर ले लीजिए। ओ आपके पास अपना फोन नहीं होगा, इट्स ओके। हियर्स माय कार्ड, इसमें मेरा मोबाइल नंबर है। अरे आदित्य जी, आप खाना खाने आने वाले हैं या नहीं? सब रुके हुए हैं आपके लिए। सब? आप सब एक साथ खाना खाते हैं? भाई मतलब खाना तो एक साथ बैठ के ही सब मतलब साथ में ही खाया जाता है जी। आइए, बहुत देर हो गई है। स्टेटस चेक नहीं करना है, लेकिन विजिटिंग कार्ड छत से ले लिया इसलिए ना, क्योंकि इसमें उसका फोन नंबर है। आई, तू भी वहां पे जल्दी आना, वरना तेरा हीरो वहां पे खाएगा कम और छटपटाएगा ज्यादा। ओके, बस वहाँ पर जाओ और सिर्फ उस लड़की को मिलो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम उस लड़की से शादी कर लो। ये एक खिलाड़ी का दूसरे खिलाड़ी को वादा है। Oh my God, कितनी गर्मी है। I just hate this city. God. क्या लगता है आदि को वो लड़की पसंद आएगी? आई होप आ ही जाएगी। कितनी फिक्र है ना आपको आदि की। चलो अच्छा है, इस घर में एक आप ही हैं जो आदि के लिए इतने जेन्युइनली कंसर्न्ड है, नहीं तो उसकी मॉम। माय गॉड, मुझे एक बात ही समझ नहीं आती कि जब आदि की परवरिश ऐसी ही करनी थी तो फिर माँ बनने की तकलीफ क्यों की? सैलरी बेसिस पे किसी को मॉम बोलने के लिए रख लिया होता। स्टॉप इट प्रीति, कभी सोच समझ कर भी बोल लिया करो। अवंतिका तुम्हारी दीदी है। कभी ये बात उन्हें भी कह दीजिए। हाँ, उन्हें भी याद दिलवा दीजिए।
दीदी कहलाने के लिए एक बहन बनना बहुत जरूरी होता है। मैं उनकी बहन हूँ, कोई सावन नहीं हूँ। आदि उनका बेटा है, एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि आपकी फेवरेट लायक बेटी अवंतिका दीवान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीती है। कितनी कड़वाहट भरी है तुम्हारे अंदर, कितनी कड़वाहट कि दुनिया में कोई कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम अप्रिशिएट कर सको। नो, आई हेट एवरीथिंग, आई जस्ट हेट एवरीथिंग। बाबूजी, ये बहुत गलत बात है। क्या हुआ? अरे इतना सारा खाना, ये कड़ी पकौड़े, ये दही पकौड़ी, ये दम आलू, ये मखाने वाली दाल, जलेबियां, ओहो, ये चखते चखते ही पेट भर जाएगा, फिर हसरत रह जाएगी कि इतना बढ़िया खाना और नहीं खा पाया। तू भी खा ले मोटी, वरना बाद में ससुर जी की तरह हसरत रह जाएगी कि इतना अच्छा खाना पर खाया क्यों नहीं। जी रेम साहब। अच्छा, आपको इसके बारे में विचार विमर्श करना है, ये मैं पहुंचता हूँ। जी जी। तो तुम आर्किटेक्ट बनने वाली हो? जी। किस चीज में स्पेशलाइज कर रही हो? जी, मैं अर्बन आर्किटेक्चर में स्पेशलाइजेशन करने का सोच रही हूँ। That's good. Wow, I'm impressed, huh, Pankhuri? मुझे जान के अच्छा लगा कि तुम भी एक आर्टिस्ट हो। Oh, तो तुम भी एक आर्टिस्ट हो? जी, बिल्कुल। You see, architecture is also an art form. वरना ताज महल जैसे कला के नायाब नमूने को कोई एक मकबरे से ज्यादा नहीं मानता। राइट पंकुर? वैसे ये मेरा मानना नहीं है, ये एक विचार किसी महान इंसान के हैं, जिनसे मुझ जैसा लेस देन महान इंसान पूरी तरह से सहमत है। नहीं नहीं, मुझे और नहीं चाहिए, I'm full. अरे आदित्य जी, थोड़ा सा तो लीजिए। जब हुक ही नहीं तो लेने का क्या फायदा? हाँ, वही सो जाएगा। मेरे ख्याल है रहने दो। ये अन्न खराब करके अन्नपूर्णा को नाराज नहीं करना चाहते, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। बात के लिए भी तो बचा के रख, जब तू उसे फोन पे बाद में बात करेगी ना, तब के लिए। साहब जी, साहब जी, आप प्रीति बेबी की बातों से इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? साहब जी, आप तो जानते ही हो, बहुत सी बातें यूं ही कह जाती है बिना किसी वजह के। बेवजह कुछ नहीं होता शैंकी, बेवजह कुछ नहीं होता। इस घर की सारी परेशानी की सिर्फ एक ही वजह है शैंकी, और वो है मैं। ये सभी बच्चे इतने छोटे थे उस वक्त जब उनकी मां गुजर गई थी, बाद में मैं इनकी परवरिश ठीक से नहीं कर पाया, चूक हो गई इनके लालन पालन में मुझसे। बड़ी होती हुई अवंतिका की बागी स्वभाव से निपटने के लिए मुझे सिर्फ एक ही तरीका नजर आया कि वो जो कुछ भी मांग करती रहती है उसको मैं पूरा करता जाऊं, पूरा करता जाऊं। और मैंने ये नहीं देखा कि प्रीति क्या सोच रही होगी। प्रीति को लगने लगा कि मैं अवंतिका को प्रीति से ज्यादा चाहता हूं।
मुझे इस बात का पता चला बहुत देर हो चुकी। बड़ी होती हुई लड़कियों की खुशियों और अपने काम में मैं इतना इतना उलझ गया कि मैंने कभी यह भी नहीं सोचा कि हनुज ने भी अपनी माँ को खोया है, कि वो भी अभी बच्चा है और उस बच्चे से ये उम्मीद करना उसके साथ नाइंसाफी होगी कि वो एक लड़का है तो खुद अपने आप को संभाल लेगा। जानते हो अनुज अपनी माँ से सबसे ज्यादा करीब। साहब जी आप बिल्कुल दिल छोटा ना करें। साहब जी बहुत सही कहे गए हैं लोग कि घर घर की औरत से चलता, लेकिन अब ये बात समझने से क्या होगा शंकी, अब ये बात समझ कर भी मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। साहब जी छोटा मुंह बड़ी बात कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। साहब अपने हाडी बाबा की शादी हो जाने दीजिए। साहब जी भाभी जी जैसी एक गुणी बहू इस घर में आ जाएगी ना, आप देखिए हर चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। साहब जी मैं भी यही चाहता हूँ शंकी, मैं भी यही चाहता हूँ। पता नहीं आदि को वो लड़की कैसी लगी होगी। साहब एक काम कीजिए ना साहब जी, अवंतिका बेबी को फोन लगाइए, अब तक तो उन्होंने लड़की को देख भी लिया होगा। साहब जी हाँ हाँ तो मैंने सोचा ही नहीं। जी जी जरूर देख लिया होगा। कहाँ मैं लाता हूँ साहब। ये लीजिए साहब। बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ पधारे। अरे नहीं, in fact, खाना तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास था। I really enjoyed the food. Excuse me. हाँ डैड, बोलिए। अवनी, ओ लड़की कैसी लगी? लड़की देख ली ना आप लोग ने अब तक? हरी जी। हेलो। एक बार जाते जाते एक चुटकला हो जाए आपका। हेलो डैड, यहाँ कुछ अच्छा एक बार हुआ यू कि पत्नी ने पति से कहा कि अगर मैं अगर कहीं खो गई गायब हो गई तो तुम क्या करोगे? पति ने कहा क्या करूंगा मायूस होगा। नहीं नहीं मगर तुम करोगे क्या? पति कहता क्या करूंगा भगवान, सारे अखबारों में और टीवी में और रेडियो में इश्तिहार दे दूंगा कि सुनो तुम जहां भी हो खुश रहो। अवनी तुम लोगों ने लड़की को तो देख लिया होगा ना, कैसी लगी वो? हेलो क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। डैड यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं आपको होटल पहुंच कर फोन करती हूँ। ओके बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सो मच, बाय बाय, संभाल के जाइएगा। जी 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 अब तो गाड़ी आ गई है। देखा लड़का संस्कारी है, मां के लिए पहले दरवाजा खोला। भाई मुझे तो पंखुड़ी बहुत अच्छी लगी। कुछ भी कहो लड़का बहुत अच्छा है। ठीक ही है। ये पंखुड़ी कहाँ है? अरे पंखुड़ी, अरे नेहा कहाँ है भाई पंखुड़ी? झुका सा वो हाथियों सा कर गया। मिस पंखुड़ी, पंखुड़ी एक और बात, और बात, और बात, डिवोर्स सेटलमेंट के बारे में आपने क्या सोचा है? सोचा है डिवोर्स, आई मीन व्हाट डू यू से, तलाक, तलाक, तलाक। छिपा रहा कर के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।